दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर को आई मिर्जापुर 2 में नजर आए एक्ट्रेस नेहा सरगम की बायोग्राफी जानेंगे कैसे नेहा ने इंडियन आइडल के मंच से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बायोग्राफी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी टाइप की सच्ची, मोटिवेटिंग और कुछ अनसुनी कहानी अपलोड करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। नेहा का जन्म 4 मार्च 1989 को पटना, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश दुबे है और उनकी माता जी का नाम संगीता है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम मोहिनी सरगम है। मुंबई शिफ्ट होने से पहले नेहा पटना राजेंद्र नगर में रहती थी। नेहा को बचपन से ही गाना गाना बहुत पसंद था। वो म्यूजिक की दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहती थी, इसीलिए वो बचपन से ही गाना गाने की घंटों अभ्यास करती थी। नेहा ने अपने स्कूल की पढ़ाई पटना के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नेहा को गाने की शिक्षा अपने माताजी से प्राप्त हुई। उनकी माताजी एक क्लासिकल म्यूजिक मास्टर है। नेहा ने अपने कैरियर की स्टार्ट 2008 में फेमस सिंगिंग शो इंडियन आइडल से किया, जिसमें उनके ऑडिशन की वीडियो काफ़ी फेमस हुई थी, जिसके चलते उन्हें कई शोज के ऑफर आने लगे थे। पर उस समय वो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करना चाहती थी। एक्टर सोनाली बेंद्रे के कहने पर उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने को सोचा। उसके बाद उन्हें स्टार प्लस शो चांद छुपा बादल में काम करने का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। इसके बाद भी उन्होंने कई टीवी सीरीज में काम किया है, जैसे हार जीत, रामायण, सावधान इंडिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये है आशिकी आदि। और इस साल 2020 में उन्होंने वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म में मिर्जापुर 2 से अपना डेब्यू किया। सीजन 2 में तो वो बहुत कम नजर आई है, उम्मीद है कि सीजन 3 में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। तो दोस्तों, ये थी नेहा सरगम की बायोग्राफी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।